आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भाजपा के द्वारा आगरा में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसानों का कहना था कि भाजपा के साथ हैं। रैली में शामिल कई किसानों ने आंदोलनकारी किसानों पर सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट गई है। प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। मौसम भले ही सर्दी का हो, आसमानी पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन राजनीतिक तपिश इस समय बढ़ी हुई है। भाजपा ने किसान ट्रैक्टर रैली निकाली। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ किसान क्या भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ? भाजपा ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, ये बहुत अच्छा काम किया। कुछ किसानों को लग रहा था कि ये कृषि कानून खराब हैं, वैसे कृषि कानून सही थे, कुछ लोग समझ नहीं पाए। आप समझ सकते हैं क्या कुछ कहना है जो ट्रैक्टर के साथ यहाँ पर मौजूद है? ट्रैक्टर के साथ हैं तो निश्चित ही ये किसान हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। क्या राय है आपकी भाजपा? योगी जी के साथ हैं और किसान हैं हम। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। अरे हमारे कार्य तो अच्छा कर रही है और अन्य कार्य कर रही हो या नहीं कर रही हो, हमारे लिए तो बढ़िया कर रही है। आप खुद समझ सकते हैं लोगों की क्या राय बनती दिखाई दे रही है। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है। और आपका क्या मानना है कि जो किसानों को लेकर कहा जा रहा है किसान भाजपा के साथ? किसान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास है और हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा ने किसानों के लिए सब कुछ किया है। जो 67,000 रुपये बिकती थी वो 9,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी सरकार में बिकी। जो बाजरा 1200 रुपये बिकता था वो 2000 रुपये भारतीय जनता पार्टी सरकार में का। इन दिनों आलू सड़कों पर फेंका जाता था, जिस सड़कों से बदबू आती थी वो आलू 30 रुपये किलो बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काम है ये। पहले की सरकारों में वो आलू 2 रुपये किलो बिकता था, आज 30 रुपये किलो बिक रहा है। अब बहुत फायदा किसानों को। किसान भाजपा के साथ है, रहेगा है। जो ट्रैक्टर रैली में किसान शामिल हुए हैं उनका मानना है कि किसान भाजपा के साथ है और चुनावों में इस बात का एहसास कराएगा कि आखिर किसान किसके साथ है। हकीकत में क्या कुछ होगा इसका पता चुनावों के बाद चलेगा। क्या मान के चल रहे हैं आप? टोटली भाजपा के साथ है किसान। क्यों है? क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कृषि कानून से बिल ले आई और अब वापस भी ले लिया। वापस ले लिया जे किसानों के हित में तो लाई थी सरकार, पर अब जे है लोग नहीं मान रहे हैं। जो हैं वैसे तत्व के किसान जो उग्रवादी टाइप के हैं वो नहीं मान रहे। अभी भी आंदोलन चला रहे हैं वापस लेने के बाद? हाँ, वो जो चीज़ हो रही तो कह तो रहे दूसरी पार्टियाँ के आंदोलन किस लिए, वोटों के लिए चला रहे थे उनने किया था। अब वोटों का अब कर दिया वापस तो अब घबरा रही हैं पार्टियाँ और करके नहीं, तो इसीलिए वो आंदोलन का रूप दे रहे हैं। लोगों का मानना है सब राजनीति का खेल है, सबका अपना अपना खेल है। राजनीति के खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में हर चाल को चुनावी बिसात पर चलते हैं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।